सा क्वेश्चन आया ये वाला, कई बार देखे होंगे। अब ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ गए, बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में पढ़ो। अ होमोजीनियस राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, जिसकी लंबाई कितनी है एल, रेडियस आर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी। ठीक है, सिलेंडर की बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। बोला एक होमोजीनियस राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लंबाई एल है, रेडियस आर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी है, इज फ्लोटिंग इन वॉटर, वॉटर में फ्लोट कर रहा है, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस जो है वर्टिकल है। अगर एस जी की वैल्यू 0.8 है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ आर बाई एल, आर बाई एल के किस मिनिमम वैल्यू के लिए अबव विच द बॉडी विल ऑलवेज बी स्टेबल, हमेशा स्टेबल होगा। क्वेश्चन सुनो, फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबिलिटी कब होती है पता है? फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबिलिटी कब होती है पता है? सुनो ध्यान से, फॉर फ्लोटिंग बॉडी, फॉर फ्लोटिंग बॉडी इफ जीएम मेटासेंट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन जीरो, सुना ध्यान से, एम अबव द जी, जीएम शुड बी ग्रेटर देन जीरो, देन बॉडी विल बी स्टेबल, बॉडी विल बी स्टेबल। यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगा होगा। बॉडी जो होगी वो स्टेबल होगी अगर जीएम की वैल्यू जीरो से बड़ी है। और जीएम बराबर क्या होता है? जीएम बराबर होता है बीएम माइनस बीजी। तो क्या हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज बीएम माइनस बीजी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बीएम माइनस बीजी की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बीएम माइनस बीजी की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया बीएम माइनस बीजी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब अपना काम है बीएम निकालो, अपना काम है बीजी निकालो, पुट कर दो। यहां पे एक लाइन और लिख दो, दिस इंप्लाइज बीएम शुड बी ग्रेटर देन बीजी, अगर ये होगा तभी स्टेबल होगा, ठीक है ना, बीएम शुड बी ग्रेटर देन बीजी। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। मेरे ख्याल से यहां तक तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा या नहीं? यहां तक मेरे ख्याल से तो पूरा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, क्या चाहिए, कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर दो, ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक इक्वेशन ड्रॉ करना है, हमने एक सिलेंडर बना लिया, देखो हमने एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो आपको दी हुई है, इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो है एल, इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो है एल, ठीक है, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है आर, सिलेंडर की जो रेडियस है वो है आर, क्लियर, और होमोजेनियस सिलेंडर है। इस सिलेंडर का कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, कुछ पोर्शन पानी के बाहर, बाद में बात करेंगे पानी की। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ बॉयंस, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं मिडिल में होगा, अगर होमोजेनियस है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं मिडिल में होगी, तो मान लो कि ये है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, ये है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कहां है पता है? ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एल बाई टू नीचे है। कैसे पता? इसके हाफ पे होगा, तो इस पॉइंट से ये एल बाई टू नीचे है, ठीक है ना, ये L बाई टू नीचे है। अभी तक हमने बॉडी को पानी के अंदर नहीं डाला है, अब पानी के अंदर डालने वाले हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो कितना पोर्शन पानी के अंदर है, कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या पानी के अंदर इसका कितना पोर्शन है, कहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बोला बस पानी में फ्लोट कर रहा है। तो हमने मान लिया कि इतना पोर्शन इसका पानी के अंदर है, ये हमने मान लिया है, ठीक है ना। अब कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने बोला इतना पोर्शन पानी के अंदर है, और ये इतना कितना है, ये है x, ये है x, ठीक है। तो इसके हाफ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी मान लो यहां पे है b, ठीक है ना,
सेंटर ऑफ बॉयंसी मान लो यहां पे है, कितनी दूरी पे, सॉरी कितनी दूरी पे यहां से, तो x बाय टू डिस्टेंस पे, तो बॉटम से ये है x बाय टू डिस्टेंस पे, बॉटम से कितने डिस्टेंस पे, x बाय टू डिस्टेंस पे। तो आपको नहीं लगता कि आप बीजी निकाल सकते हैं, आपको नहीं लग रहा क्या कि आपको बीजी चाहिए ना, तो बीजी ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बीजी इक्वल्स टू। और किसी ने पूछा कि बीजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बता सकते हैं बीजी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू, बीजी इक्वल्स टू एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा बीजी की वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ बीजी, एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब आगे बात करते हैं, अब समझना आगे की बात, ये हो गया बीजी की। अब एक्स तो नहीं पता है अपने को, तो अब देखो ध्यान से, इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू। अब लिखते हैं फॉर फ्लोटिंग कंडीशन, फॉर फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग कंडीशन के लिए अगर हम बात करें फ्लोटिंग कंडीशन के लिए, तो क्या हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एफ बी, वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स, कई बार बता चुके हैं बॉडी का वेट और बॉयंसी फोर्स दोनों बराबर होगा, तो क्या हम यहां लिख दें रो बॉडी इंटू जी इंटू वी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो यहां लिखे रो फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब देखो ये जी और ये जी हो गया कैंसल आउट, तो ये हो गया रो बॉडी इंटू एरिया इंटू ये लेंथ है एल, ये पूरा बॉडी का लेंथ कितना एल, इक्वल्स टू रो फ्लूइड इंटू एरिया इंटू ये कितना पोर्शन अंदर है एक्स, ये ए से ए हो गया कैंसल, दोनों तरफ कर दो रो वाटर, यहां भी कर दो रो वाटर, तो ये अभी यही चीज तो डिस्कस कर रहे थे आपसे, एस बॉडी इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो गया एस फ्लूइड इंटू एक्स, एस फ्लूइड इंटू एक्स, क्लियर सा कंसेप्ट। अब यहां पे जो फ्लूइड है ये वाटर है मेरे ख्याल से, देखो ध्यान से कहीं लिखा हुआ होगा वाटर, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, किसी ने अगर पूछा आपसे व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी वन होती है, नहीं वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वन, तो एक्स बराबर हो गया ये हो गया वन, तो ये हो गया एस एल। इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो, पुटिंग दिस, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर टू, तो जैसे इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बीजी इक्वल्स टू आ गया एल बाई टू माइनस एस एल बाई टू, तो एल बाई टू कॉमन ले लो, तो ये हो गया वन माइनस एस, एल बाई टू कॉमन ले लो तो ये हो गया वन माइनस एस, ठीक है। अब देखो ध्यान से बीजी निकल गया, अब अगर बीएम निकाल लो तो काम हो जाएगा, बीजी निकल गया बीएम निकाल लो काम हो जाएगा, बीएम इक्वल्स टू क्या होता है, बीएम इक्वल्स टू होता है आई बाई वी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, नहीं अब आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू आर स्क्वायर, पाई बाई सिक्सटी फोर डी टू द पावर फोर होता है ना, पाई बाई सुन ध्यान से आई बराबर होता है पाई बाई सिक्सटी फोर डी टू द पावर फोर, यहां डी नहीं है आर है, तो पाई बाई सिक्सटी फोर और आर की जगह पर टू आर लिख दें, टू आर टू द पावर फोर, तो दोनों चार दो आठ कितना हो जाएगा ये सोलह चौसठ पाई बाई फोर, ये हो गया पाई बाई फोर आर टू द पावर फोर, और बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ये मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वैसे ये ईएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है,
मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला यहां कंसेप्ट है, यहां से एक फॉर्मूला डिराइव होगा, यहां से फॉर्मूला डिराइव होगा एक, और वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब दो चीज था, या तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते, ठीक है ना, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑफिस रटना पड़ता है। समझो, देखो यहां पे एक कंसेप्ट हमने ये डिराइव कर दिया, ठीक है, फिर अब एक कंसेप्ट यहां डिराइव कर रहे हैं, तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना है एक्स, इसको और आगे बढ़ाओ, तो ये हो गया पाई बाई फोर आर टू द पावर फोर, रहने तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एक्स की जगह पे हम एस एल पुट कर दें, तो एक्स की जगह पे हमने एस एल पुट कर दिया। अब देखो ध्यान से पाई हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है ना, तो यहां क्या बच गया, बी एम इक्वल्स टू हो गया आर स्क्वायर बाई फोर एस एल, बाई फोर एस एल। अब यहां से बीएम भी निकल गया, बीजी भी निकल गया, अब दोनों वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग बीएम एंड बीजी इन इक्वेशन नंबर वन, तो जैसे इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो बीएम कितना है आर स्क्वायर बाई फोर एस एल शुड बी ग्रेटर देन बीजी, बीजी की वैल्यू पुट करो कितना, एल बाई टू इंटू वन माइनस एस, ये टू टू जर फोर कैंसल, इस एल को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू एस इंटू वन माइनस एस, ठीक है ना, तो आर बाई एल क्या हो जाएगा ग्रेटर देन रूट अंडर टू एस इंटू वन माइनस एस, सॉरी टू एस इंटू वन माइनस एस। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, समझे बात की नहीं, ये हो गया एक फॉर्मूला, इसी के लिए हम इतना डेरिवेशन कर रहे थे। अब आप यहीं से आगे बढ़ सकते हो, आपको आर, देखो क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आर बाई एल की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, अबव विच द बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.8, यहां लाके पुट कर दो सीधा, तो आर बाई एल ग्रेटर देन रूट अंडर कितना होना चाहिए 2 इंटू 0.8 इंटू 1 माइनस 0.8, कितना आ गया देखो सॉल्व करके, आर बाई एल कितना आ गया देखो, यह आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.56, तो इससे ज्यादा होना चाहिए।